जी बिल्कुल। चलिए संजीव, आप जो है नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, यानी कि मोहन भागवत का एक बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जनसंख्या बिल्कुल लेकर के पहले से ही कई प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही हैं। अलग अलग पार्टियों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग मिजाज जो है पार्टी के नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले बयान देते हैं, उसके बाद में अब आज जनसंख्या विस्फोट पर संघ प्रमुख की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि आरएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में मोहन भागवत साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना ये पशुओं का काम है, ये इंसानों का काम नहीं, ये तो पशु भी करते हैं, इंसान का काम है दूसरों की रक्षा करना, ये कह रहा है भागवत का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट को लेकर जिस तरीके से चिंता पूरे देश को है, इस पर हमें एक साथ एकजुट होकर आगे काम करना चाहिए। और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है, उसको कोई भी कंट्री न तो नज़रअंदाज कर सकती है और न बर्दाश्त कर सकती है, और इसके लिए हमें व्यवस्था करनी ही होगी। ये किसी कास्ट कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि कंट्री के लिए चैलेंज है। अब कुछ लोग इसमें करते हैं कि साहब अल्लाह की मेहरबानी है। अब आप इस तरह की अल्लाह की मेहरबानी से अनलिमिटेड परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी होगी। आप अल्लाह की मेहरबानी का बहाना बनाएंगे, अनलिमिटेड परेशानी का ठिकाना ढूंढेंगे। तो ये मुझे लगता है जो लोग तर्क दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है जनसंख्या विस्फोट का, जनसंख्या का, दुनिया के तमाम उन देशों ने, चाहे वो प्रगतिशील देश हों और चाहे डेवलप कंट्रीज़ हों, उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उपाय ढूंढे हैं और उनके देश के लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया है। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा, इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज ए ट्रूथ अप्लीकेबल टू एनिमल्स नॉट टू ह्यूमंस। इन ह्यूमंस द फिटेस्ट पर्संस विल मेक अदर्स सर्वाइव, द फिटेस्ट विल हेल्प वीकेस्ट टू सर्वाइव। That is human excellence. Human excellence है, नहीं क्या है? Excellence in everything. तो आपको सिलसिलेवार हमने सुनवाया कि 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, उसके बाद 12 जुलाई को मुख्तार नवाज नकवी का क्या बयान सामने आया, और आज जब 14 जुलाई है तो उसके बाद मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। और ज्यादा तफसील के लिए आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीतू और सागर का। देखिए बिल्कुल नेता, ये तो बताएंगे दर्शकों को कि आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा, लेकिन सोचिए एक चिंता की बात है। अगर यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि सन 2023 तक भारत में एक बड़ा जनसंख्या विस्फोट होगा और हमारे देश की आबादी चीन से भी कहीं ज्यादा होगी, तो जरा सोचिए कि कितनी ये परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल, और यूएन की रिपोर्ट से ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अलग अलग तर्क आए, जरूर ये तो संविधान में भी हक है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, इसके बाद विवाद बढ़ चुका है। अब ऐसे में मोहन भागवत ने कहा कि खाना खाना और इसके साथ ही साथ आबादी बढ़ाना ये पशुओं का काम है और जो इंसान है वो देश की रक्षा करता है, जिसके बाद फिर क्या, ये देखिए विवाद हो गया। तो इंसानियत का पाठ भी पढ़ा है मोहन भागवत ने। चलिए ग्राफिक साहब आप देखिए क्या बोला मोहन भागवत ने। देश में जनसंख्या को लेकर बहस के बीच भागवत का जो बड़ा बयान आया उसी पर हम बता रहे हैं नीतू। बिल्कुल, और ये बयान जो था ये कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना जानवर का काम, दूसरों की रक्षा करना मनुष्य का काम है, ये कहा है। ये भी कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं। यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही भारत चीन को पछाड़ देगा, जिस तरह की स्थिति भारत में जनसंख्या को लेकर हो रही है। बिल्कुल, देखिए हमने जिक्र भी किया था उस बात का, और भागवत ने जनसंख्या पर जानवर और इंसान का फर्क बताते हुए पूरी दुनिया को, भारत देश को ये बड़ा संदेश अब दिया है। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो है मोहन भागवत की तरफ से आई और इन बातों के बाद ही विवाद एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है।
और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, सवाल ये है कि अगर किसी बात से या बढ़ती जनसंख्या से, बढ़ती आबादी से आने वाले वक्त में खतरा मंडरा रहा है हमारे पूरे देश पर और इस देश में रहने वाले तमाम लोगों पर, ऐसे में नहीं लगता कि चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि आखिर बिल कितनी जल्दी लाया जाए और कैसे इस पर काबू पाया जाए, ना कि एक दूसरे पर प्रतिक्रिया या बार पलटवार करना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो बात है ये आज की नहीं है और संघ ने भी इस पर अपने तरफ से जब भी बात कही है, आपको याद होगा विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जब संबोधित कर रहे थे उस समय ने उन्होंने उस बात को कहा था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है देश में, हम चीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं और संसाधनों का जिस तरीके से जो खपत है वो लगातार बढ़ेगा, बहुत सारी बातें मोहन भागवत की तरफ से की गई। और आज के बयान की अगर हम बात करें, इस बयान के बाद से आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे बयान में कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना कि हम इस तरीके का कानून ही नहीं मानते जहां पर दो बच्चों की बात होती है, और अक्सर इस बात को कहते हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर जैसा कि आपने सवाल किया, इसको लेकर के प्रोफेसर राकेश सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने खुद इस पर एक ड्राफ्ट जो है वो सदन में पेश किया था और बाकायदे इसका एक प्रेजेंटेशन पीएमओ में अश्विनी उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीएमओ में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर भारत में लागू होता है तो किस परिदृश्य में होगा और किस तरीके से उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। ये जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा है, इस पर कई सारे सांसदों ने हस्ताक्षर किए और उसके बाद से सदन तक इसको पहुंचाया गया, बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से संघ ने इसको हवा दिया है, माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात कर सकती है और इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में आप देखिए असम हो, उत्तर प्रदेश हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो, तीनों ही राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जो सुगाहट है वो तेज हुई है। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि दो बच्चों की जो बात होती है, दो बच्चों की ही बात पर कानून बनेगा, यानी कि दो से ज्यादा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार बहस होती रही है देश भर के अंदर, लेकिन वाकई में जनसंख्या बढ़ना पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। आने वाले समय में अगर पूरे विश्व की आबादी 8 अरब हो जाएगी, हिंदुस्तान अगर चीन से आगे पहुंच जाएगा, और इसके पीछे बड़ी वजह जो लगातार कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई, वजह केवल मात्र जनसंख्या। नीतू, बिल्कुल, तो ये तमाम खबरें अभी तो हमने आपको विस्तार से बताई, लेकिन और भी खबरें हैं जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के आने के बाद हालात सुधर रहे हैं या फिर और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा आगे आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि बाढ़ बारिश के बाद हाल कैसा बना हुआ है तमाम राज्यों का, जहां पर जनजीवन बाढ़ बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है। और भी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।